ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਜੇ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਨਾ ਸਾਇਦ ਗੜੂ ਲਿਮ ਕਜੇ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਕਜੇ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਜਣੀ आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत है आप लोगों का आज के नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये जो मेरा ब्लॉग होने वाला है, एक मिनट बेटा, आज मेरा जो ब्लॉग होने वाला है पूरा मैं गढ़वाली में बोलूंगी, वो भी जो मेरे माइके साइड की गढ़वाली, मैं उसी में पूरा बात करूंगी। जिनको समझ नहीं आएगा, जो नॉन गढ़वाली है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो अभी मेरा पूरा ब्लॉग जाएगा गढ़वाली में, तो दोबारा से स्टार्ट करने मिला आप सब प्रणाम। और आज एक ब्लॉग शुरुआत करो, चुम्मी टाइम हो गया 12:30 और दिना खाना बनाना तैयारी होनी जी मेरी। बेटी को परेशान करनी ना, मैं तो ये बहुत परेशान करनी ची। और जो मेरी ब्लॉग देखो ला पाले, मैं यार थोड़ा हेल्थ डाउन छा, हम लोग फोर्ट व्लियर घूमना का जाए छा ना, तो यार थोड़ा तबियत खराब छा एक हफ्ता बड़े, तभी मतलब एकदम स्वस्थ हो गयो लगभग। मतलब 22-23 ब्लॉग बड़ा छा, 22 हम बड़े वापिस आ जाए, 23 में ब्लॉग बड़ा छाई, आज होगी 7-8 तारीख होगी ना। अभी मतलब एकदम ठीक ठाक छो, हमें बेटी भी खूब छो और मैं भी खूब छो, मतलब तबियत वबियत एकदम ठीक छे। और पति पति उनके बोलते गड़ो नहीं यार, मतलब जो छी ना हम पति देव जी छी वो भी ठीक छे ना, भी एकदम स्वस्थ छी, अब पुड़िया छी एकदम जी स्वामी जी, इन्हें इन्हें पुड़िया छी, देखो आराम से हाँ जी, नहीं ये भी मतलब अब स्वस्थ छी, इनकी बात नहीं मतलब ठीक ठाक छी। बुखार इसको चढ़नु चाहिए, पता नहीं के बुखार मतलब कम ही नहीं होना चाहिए, कम जननी दवाई खाना चाहिए ठीक होना चाहिए, और दवाई जननी मतलब उम्मीद बात खत्म होना चाहिए ना, उन्हीं फिर बुखार आना चाहिए, तो अभी बिल्कुल ठीक ठाक छे। और बेटी भी ठीक छे, गाजर खानी छे, और आज मैं बाणू छू मसूर दाल और भात, बड़े दिन मैंने खाए भात भी चम खाई नहीं, मतलब एक ये जो मेरी बेटी छे ये बिना भात रहती नहीं, मतलब इंजे नहीं मतलब भात एक टाइम ही रचा नहीं चढ़ लगी हुई है, मतलब खिचड़ी वगैरह थोड़ा बहुत ठीक है कभी कभी चल जाना, पर बिना भात गिर रहे नीचे। एक पापा बोना चाहिए आरुप पापा की बल आज बल मसूर दाल भात खाना ही चुबल में आ रहा, तो मेरा अभी भात दे रहा चुल में 12:30 होने चु टाइम लगभग, अभी मतलब दाल दे रहा उशान उशाणी हाँ मतलब दाल दे रहा अभी उसे दाल दाल तब बाद भात दे रहा चुल में घर बैठे मैं माँ जी पापा जी फोन आना, मतलब मैं जो सास जी ससुर जी छी मैं बाद में बात करूँ ला पता पहले जरा हूँ बात कर दूँ मैं फोन आना चुना, तो मिलता छो आप ब्लॉग में बढ़िया रहे पूरा ब्लॉग आज मैं गढ़ो लिम बढ़ू नॉन गढ़ वाले जिनको समझ नहीं आएगा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो चलिए तो जरा मैं पहले माँ जी पापा जी तक बात करना छू, फिर आप मिल लो आप ठीक छो, ब्लॉग में बढ़िया रहे और आप प्यार और सपोर्ट ही नहीं कना रहा। और आज मेरा आज ना मतलब न्यू ईयर है मेरा 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया चा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देना है और मथी वाला आशीर्वाद वाला, आप लोगों को प्यार वाला तो 3 लाख भी हो जाला बहुत जल्दी। तो चलो पहले मैं जरा घर में बात कर दूँ तब करूँ लापता बड़ी बात, घर में भी हो गया बात। और आप लोग ये ना बहुत परेशान कर दिया यार, मैं तो बैठ बैठना बल ले बैठ जा, इन्हें पहले से सीढ़ी मनोज इन्हें साइड में बैठ थोड़ा, आप लोग हमें तो देखिए बना वाला ना कि घर में हमारे उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा ठंड हुई थी, अभी मरण थे फिर इन देखी लगन वाले कि ये तो बिल्कुल हाफ टी शर्ट शर्ट हम मतलब, लेकिन पुणे का मौसम बहुत अच्छा हुई मतलब इन ठंड वंड नहीं, मतलब स्वेटर जो रही पुणी से छोटा बच्चों को थोड़ा सा स्वेट शर्ट पहने मतलब ज्यादा गर्म कुछ नहीं है, जब माँ जी पापा जी तक बात करते हो या फिर मैं तुम करूँ बात तो बोल देने की बहुत ठंड हुई है, जब वीडियो कॉल करते भाई तुम कंचो है हाफ हमार हम ये दुई दिन हमारा स्वेटर पहने अच्छी इन पहने अच्छी, तो घर में मतलब काफी ज्यादा ठंड हुई। तो आप लोग जो मेरे वीडियो देख तो मेरा बताया जरा आप लोग को या कन घन मौसम हुई, मैं यार सोचू चाहिए कि मैं बढ़ू लू आलू खिचड़ी कि ले इतवार हमारे एक ज्यादा मतलब खिचौनी बढ़ाऊ मैं शनिवार इतवार शनिवार इतवार में ज्यादातर खिचौनी बढ़ाने आलू खिचौनी या फिर प्याज का आलन मालन कुछ इन नहीं बढ़ाने बाबा जी ने तो बहुत पसंद है खिचौनी चौनी, लेकिन पता नहीं कि आज होगी छे कि बल उखाण बल क्या मसूर दाल मेरा भी मसूर दाल धरी छ। और हम आगे चाहिए नवंबर 2-3 तारीख में आगे जाए, लेकिन पता नहीं कि ले एक अभी बीच में घूमना भी को लेकिन एक मन नहीं लगा पता नहीं कि ले मतलब अजीब लग उदास पन टाइप का फील हो रही है, पता नहीं अभी भी मन नहीं लगा
ये पता क्या लक्ष्मी से यही लक्ष्मी ने बोली मेरी माँ आज ना गड़बड़ी बोली बोली लक्ष्मी जी हंसी निकलने आज बैठ टच नहीं कर बोलू तो नहीं नहीं कर पता नहीं एक मतलब एक कमी महसूस हूँ मतलब गारक ना अच्छा नहीं लगा तभी मैं थोड़ा प्याज प्याज लहसुन छिलनो छू दाल में तड़का लगाना निछड़े आ रो गंदी बात होनी है काम बस और कुछ ना मिलवा ली होने थोड़ी देर पार्क में जा ले बच्चा छी ना पार्क में हो जाए मैं बात जा ले थोड़ी देर बच्चों दौड़ खेल ले पर ना नहीं जानी जा जिद मार होनी जिद दिन पकड़ दिन जिद मार जिद मार तो खैर पहले भी चाहिए पर अब ज्यादा होनी चाहिए जिद मार ब्लॉग बनाओ मेरा टाइम नहीं मिले टाइम के नहीं मिलके तब अगर स्वास्थ्य इंसान ठीक नहीं रहा नहीं कर नहीं चाह तो वही वेगे चाह मेरे वाला थोड़ा ठीक ठाक लो जो जरा ब्लॉग शुरुआत करेगा सुबह बड़े कान धान किचन बहुत हो जान साफ सफाई काट जरा घर बनने दिन में भी नहीं हुई चाहिए जब बड़े तबियत खराब हुई चाहिए मकड़ा का जाला माला लगे चाहिए आप पूरा सफाई कर थोड़ा ठीक लो महसूस बढ़िया महसूस होना चाहते मेरे बात करो आज ही काम करे जा दाल भी शायद वही हो ना चलो मैं पहले जरा दाल में छोंक मार दे ना है दाल में छोंक मारेगी और बाद दे दूँ चलो बाद में छोंक भिगा डाली भिगा एक छोंक ठीक होने नहीं पड़ेगा मुलायम नहीं बल मतलब मैं यार घर में ना ससुराल में तो हम नहीं कर दो एक डेढ़ घंटा पहले छोंक कर देना भिगा डाल देना एक भी मैं नहीं करूँ तो भिगी छोंक मुलायम हो जाने छोंक इधर इधर है से आने ना पता नहीं किले क्यों आई देखो कल आशनी जी के लिए कि बोली मेरी मम्मी का डर बोली जी की लाशनी जी है फोनम बोली कि नहीं फोनम इतना ब्लॉग बाणी बोली गड़ो नहीं उन दाम गड़ो नहीं बात कर दो मी पापा घर मतलब सभी ना पर ये लाशनी जी के बोली फोन में ब्लॉग गड़ो बढ़ानी इले इधर हाँ से छोड़नी भी लगना चाहिए ना मर्चा प्याज कौन सो मर चला ना जी वाला किचन मिल वाला पापा दगर पोर्स आएगी ना ये तो फिर लौट दगर चल जा मुड़ी पर ना ये मन अदर जिद जिद दिखानी चाहिए तो प्याज व्याज कटेगी चलो अब मैं जरा फटाफट दाल हम छोंग मार देना अब भात डाल देना तब मेरे तुम तक ठीक चल चलो दगलियो पहले जरा किचन ही के नपटा देना मेरे बाद मिल दो तो दगड़ो टाइम हो गया लगभग पौने दुई और खाना बड़े भी एकदम तैयार हो गया मसूरा दाल भात तो अब बस खाँदा छो यूँ तो उठाँदा छो आरो पापा था कजिए था हमारे मतलब यार मैं तो हस्बैंड मतलब जो पति यार मैं तो मतलब हस्बैंड कजे ही बोल देना शायद गड़ो लिम कजे ही बोल दी कजे ही बोल दें जड़ी आदमी आदमी भी यार पति भी शायद हिंदी में बोल दी कजे ही गड़ो लिम बोल दी हाँ तो मतलब यूँ तो उठा छो अब मैं खैर आरो पापा बोलू दो अब आरो हो गया था आरो पापा बोलू दो तब खाना छो दाल बात ये देखो ये बढ़िया उन दमरे ने डाइनिंग भी पर हम डाइनिंग नहीं खाना मम्मी सही में बैठी करना जब एक आदमी एक कोई आ जाल मेहमान तो वो खाल मत ही वो तो दिनों मत ही बैग हमें मैं मस्त एक बैठी खाना एक मी कि ले बैठी की जो मजा जो खाना कम ना वो डाइनिंग टेबल या फिर कुर्सी मेज में इन नहीं तो चलो अब खाना खाना हारो चाहे डैडी तो बुला लिया डैडी मुन बात खाना खाना जाओ हैं बुलान चो बुलान चो बुनी चो बुलान चो बल हाँ जा उठा ले दोबारा उठा नहीं उठना चाहिए बल अबे तो बॉल की जल्दी बड़ा बल भूख लगी चार अब उठना नहीं चाहिए उठ लो दी इन्हें सुना दी ओ खा लो दी बात बन गया मस्त ऐसे आ चाहिए आज उठ लो दी खा लो बात बन गया तुम्हारा उल्लू यार उल्लू बनाया पुआर खाना रखी मैं आ जाओ थी चलो आरो तो चलो खाना छो अब दाल भात वे बाद मिल दो आते हैं दाल भात खाना बाद ये दस्सी बोलो छो आ रहे थे तब मिल दो आते ठीक छो मौसम भी आज बदलू छो बादल बादल लगे ऐसे सड़क पर पता नहीं बरखा वाल कर सके या कौन मौसम कोई बरस भी नहीं रहना बादल भी लगे रहने बरखा कब निकल जा बरखा मतलब कब हो जाए पता नहीं चलो
भजन कभी कभी क्या छ तो अभी सांबक दा बने 5:30 अभी पीने से कम चाय और एक भैया जी ने महाराष्ट्र का वो नमकीन लेके आए चाय तो हम बैठे हैं बैर में चाय यून बढ़ाई अभी पीने से कम चाय नमकीन खाना चाहो मौसम देखो फर्स्ट क्लास हुई नहीं चाय लाई गई हूँ मौसम भी मौसम देखो क्या मस्त हुई हवा देखो जरा तो दगड़ियों अभी घूमी भी आ गयो और अभी टाइम हो गया लगभग 7:15 और अब थोड़ी देर आरो तो पढ़ाचो वे बार खाना का तैयारी करना रात खाना का तैयारी एक दिखो बड़ी मुश्किल से तैयार करी अभी जरा मॉन लिखा ज्यादा वो नहीं करनी ना तो आरो मिले हम सेटअप लगा ले मैं आज चलो थोड़ा पढ़े लिखे कर दू ओ भाई साहब चलो पढ़ लू ला चलो कलर कराऊ जी ठीक है तब कौन जरूरी तभी मिल वाल कुछ हूं तो ईशा आज अभी लोग और अभी मिल थोड़ी देर एक डेढ़ घंटा मिल लगभग आ रहा तो थोड़ा लिखना प्रैक्टिस करवा दू मतलब ए आई ए बी सी डी एक मतलब गिनती वगैरह ना और वही बात फिर डिनर है तैयारी तो ईशा आज अभी लोग उम्मीद कर दो आप लोग तो पसंद आल तो प्लीज लाइक करे शेयर करे कमेंट करे और ज्यादा से ज्यादा फैले ये वीडियो सही तो मिल दो छो आप था एक नए ब्लॉग तगड़ गुड नाइट बाय बाय।